नक्सल विरोधी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की नोट फैक्ट्री का पर्दाफाश किया था। नक्सली कोराजगुड़ा के जंगल में नोट की छपाई कर रहे थे। इनके पास से 50 से लेकर 500 रुपए तक के नकली नोट भी जाली नोट बरामद किए गए। पुलिस को जाली नोट छापने और मार्केट में खपाने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद पुलिस अलर्ट हुई। फौरन जिला बल डीआरजी बस्तर फाइटर की संयुक्त पार्टी सर्चिंग के लिए निकली। मैलासूर के साथ ही कोराजगुड़ा, दंतेशपुरम और आसपास के इलाकों में जवानों ने अभियान चलाया, सर्चिंग अभियान। और इस दौरान जवानों को कोराजगुड़ा के जंगल में देख नक्सली मौके से फरार हो गए थे। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में सर्चिंग की। इस दौरान टीम को नकली नोट बनाने की मशीन, कलर प्रिंटर, कलर इंक भी बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक बड़े नक्सली कैडर्स ने हर एरिया कमेटी के एक एक नक्सली को नकली नोट या जाली नोट बनाने की ट्रेनिंग दी। ये जाली नोट छापकर साप्ताहिक बाजारों में खपाए जा रहे थे। अपने आप को आदिवासियों का हितैषी बताने वाले नक्सली जाली नोट छापकर उन्हीं के साथ छल कर रहे थे। नक्सली नकली नोटों के जरिए देश की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ने की भी कोशिश करते नजर आए। उनके निर्णय लेने की क्षमता पर लगातार फूर्स सवालिया निशान उठा रही है। तो नक्सल संगठन कमजोर हुआ है, आर्थिक संकट से भी जूझ रहा है, पर नकली नोट उनके संगठन में कितना प्रभावी उपयोग में आएंगे या उनको कितने मतलब सरलता से ये खपा पाएंगे, ये एक बड़ी बात है। एंटी नक्सल ऑपरेशन के तहत चलाए जा रहे अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। जहां एक और सुरक्षा बल लगातार माओवादियों पर मुठभेड़ के दौरान कई माओवादियों को ढेर कर दिया, तो वहीं अब माओवादियों के नकली नोट छापने का मामला सामने आया है। सुकमा जिले के भिजी थाना क्षेत्र के अंदर के ग्राम कोपागुड़ा में जब जवानों को सूचना मिली थी कि वहाँ पर माओवादी नकली नोट छाप रहे हैं, मौके पर सर्चिंग की गई तो काफ़ी बड़ी मात्रा में जो नकली नोट छापने के जो दस्तावेज है, प्रिंटर है, स्याही है, इसे बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि कई समय से माओवादी यहाँ पर नकली नोट छापने का काम कर रहे थे। कोई जानकारों का भी मानना है, अगर माओवादी संगठन में आर्थिक कमजोरी आई है तो उसको लेकर अगर माओवादी नकली नोट छाप रहे हैं तो ये बड़ी चिंता का विषय है। अब देखना होगा कि सुरक्षा बलों द्वारा जो ये खुलासा हुआ है इसको लेकर माओवादी संगठन में क्या खलबली मस्ती है। आने वाले दिनों में ऑपरेशन और तेज होंगे और ऑपरेशन के दौरान जो माओवादी के संगठन में जो बचे जो बड़े नेता, उन्हें भी ढेर करने की बात बस्तर पुलिस कर रही है। लेकिन जो माओवादी संगठन ने नकली नोट छापने का मामला प्रकाश में आया है, ये काफ़ी चिंता का विषय है। श्रीनिवास नायडू, न्यूज 18 बस्तर। बात करेंगे बिलासपुर की, जहां के मेलापारा में अवैध निर्माण के खिलाफ निगम का बुलडोजर लगातार एक्शन में है। यहां पर 742 अवैध कब्जों पर कार्रवाई की जा रही है। आज लगातार चौथे दिन निगम की कार्रवाई यहां पर जारी रही। और बिलासपुर के मेलापारा में निगम की कार्रवाई के विरोध में लोगों ने भी चक्का जाम किया और मकान के बदले मकान देने की मांग भी यहां पर लोग करते हुए नजर आए। वहीं कोरबा से खबर आपको बता दें, घर में आग लग गई और इसकी वजह से यहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। बताया यह गया कि शॉर्ट सर्किट इसकी वजह रही और शॉर्ट सर्किट से घर में आग लगी थी। परिवार ने हालांकि भागकर अपनी जान तो बचा ली, लेकिन काफी ज्यादा नुकसान आग लगने की वजह से हो गया। दमकल की मदद से आग को बुझा लिया गया है। मानिकपुर चौकी के अमरैया पारा की यह घटना बताई जा रही है। गैस उस निकाल लिया हो ना आप लोग? हमारे घर का गैस नहीं निकाल पा रहा है।